खरगोन जिले में आगामी 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहे कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के बारे में सीएमएचओ कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देशन में हुए प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रजनी डावर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर राहुल कामले, टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट और सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने सभी बीएमओ, बीई, बीपीएम, स्टाफ नर्स और डीईओ को टीकाकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। रजनी डावर ने कहा कि 16 जनवरी को नेशनल ओपनिंग डे होना है, जिसके तहत प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में वैक्सीनेशन के दौरान 6 स्थलों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें जिला अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल सनावद, बड़वा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव, गोगावा और महेश्वर को शामिल किया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए है और इसकी आज, जैसे कि अभी आपको पता है कि कल ही मतलब इसकी घोषणा हुई है 16 जनवरी, तो इसकी तैयारी के लिए कि हमारी सभी ट्रेनिंग्स स्टेट लेवल पे भी कल हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं और रोज़ हो रही हैं और बाकी सभी की भी ट्रेनिंग हुई है और आज इसकी ये ट्रेनिंग ली जा रही है कि सभी को एक साथ बुला के हम इनको हर अलग अलग कैटेगरी में सबको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ताकि हमारा जो कोवैक्सीन है ये मतलब टीकाकरण का वो सफल हो सके। और इनको अभी जो हमारे को पोर्टल में एंट्री करनी है तो डाटा एंट्री है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टाफ नर्सेस हैं जो उनको टीका लगाने के बारे में बताया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनको मतलब AEFI के बारे में बताना है, कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, प्लान बनाना है हमें तो वो व्यवस्था करनी है। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा 16 को, वो हमारा ज़िले से मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 302 सेशन साइट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से जुड़ेंगे और जिसमें कि हमारे ऑनलाइन हमारे ज़िले के 6 मतलब CSC जो हैं वो उससे कनेक्ट करेंगे हम। तो उसमें से जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सेगांव है, महेश्वर है और हमारा कसरावत है और हमारा ये बढ़ावा है, सनावत है, ये हमारे और गोगावा, ये हमारे ऑनलाइन जुड़ेंगे। खरगोन में कब से टीकाकरण होगा? 16 से शुरू होंगे और आज पूरा प्लान फाइनल किया जाएगा और जिसमें कि आज हमारे मैंने कलेक्टर मैडम भी आज आई थी, उन्होंने भी आज सभी को वर्कर्स को संबोधित किया है कि काम करना है और अच्छे से इसको सफल बनाना है। कितना लक्ष्य है हमारे जो, क्योंकि ये जो फर्स्ट राउंड है ये केवल हेल्थ वर्कर के लिए है और इसमें हमारे 9652 बेनिफिशरीज हैं और जो है हमारे फोकस पॉइंट हैं वो 38 हैं जहाँ वैक्सीन रखे जाएंगे और जिला स्तर पर भी। और हमारी जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हो चुकी हैं सभी फोकल पॉइंट के लिए। सभी 2 से हमारा सब मतलब भौतिक परीक्षण कर लिया जाएगा कि पूरी व्यवस्था मतलब दुरुस्त हो जाए, हमारी एम्बुलेंस दुरुस्त हो जाए, हमारे जो वैक्सीन है पहुँचाने की पूरी तैयारी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।